सो हे गाइस, दिस इज वसु क्लाइंट, यू आर वॉचिंग एजुकेशन साइड। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेई मेन 2022 के बारे में। जेई मेन 2022 के लिए अभी तक एनटीए ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं डिक्लेयर किया है और ना ही एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आया है। लेकिन जेई मेन का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि जेई मेन के जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टोटल 4 अटेम्प्ट होने हैं। जो पहला अटेम्प्ट होता है उसके लिए लगभग 1 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस चलता है, ये बात भी आपको पता होगी। तो जेई मेन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जेई मेन 2022 के लिए आ जाएगा। कोविड की जो केसेस है वो आप सभी को पता है कि 2 लाख के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं, 2,35,000 के करीब आज जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो केस आए हैं, है ना। और ये जो सिचुएशन है वो लगातार कंटिन्यू है, ठीक है। तो कोविड लगभग मार्च के जो लास्ट वीक है उतने तक ही जाने वाला है, पीक वगैरह उसका सब निकल जाएगा, फिर डाउन होने लगेंगे केसेस। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब के फर्स्ट वीक में रिलीज कर ही दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट अपडेट था जो कि आप तक पहुँचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो बच्चे जेई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मार्च का टाइमिंग लेके चले। मार्च के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम होने के बहुत हाई चांस हैं, तो आप मार्च तक का ही टाइमिंग अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना, ठीक है, जिससे कि पूरा काम कंप्लीट हो जाए और आप आराम से अपने एग्जाम में अपीयर हो पाओ, अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाओ, ठीक है। मेरा सजेशन यही है कि मार्च तक डेडलाइन लेके चलना। जो बच्चे नहीं मानेंगे उन्हें फिर वो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ठीक है, और ऐसे जाते जाते लास्ट में टाइमिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। टोटल 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट होता है, करेक्शन का टाइम होता है, फी पेमेंट का टाइम होता है, वो लगभग 1 महीने का दिया जाता है। तो फेब के फर्स्ट वीक में आपके जो भी ये प्रोसेस है जेई मेन 2022 का वो स्टार्ट हो ही जाएगा, इस बात को आप एकदम श्योर रखना। एंड आपके जो एग्जाम है वो मार्च के लास्ट वीक में कंडक्ट करवाए जाएंगे। कोविड के जो केसेस आज आए हैं वो 2,35,000 के पास आए हैं, तो जो कोविड केसेस हैं वो तो डेफिनेटली मतलब लगभग 2 लाख के आसपास रेशियो मेंटेन है, बट मार्च के एंड तक में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट, यानी कोविड वाला जो सिनेरियो चल रहा है जिसके कारण एग्जाम डिले हो रही है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा जेई मेन 2022 की तरफ से। बाकी अभी एनटीए ने तो कोई अपडेट नहीं दिया है ऑफिशियली, ना ही एनटीए ने ना ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, हेड वही है। हम आपको सिर्फ एक टेंटेटिव डेट्स बता सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को उसी लेवल पे लेके चलो। तो आप अगर जेई का प्रिपेयर कर रहे हो तो मार्च डेडलाइन लेके चलना। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा स्कोर आ गया तो बाकी अटेम्प्ट में आप आराम से जेई एडवांस के लिए या फिर अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड चैनल पर न्यू हो तो जेई मेन 2022 के लिए IITs, NITs, IIITs और GFTIs के रिव्यूज के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलने वाली है। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।